तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत करते हैं हम अपने ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज बताएंगे हम 5 किलोमीटर का रनिंग में अधिकांश बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, उनकी क्या गलतियां होती हैं, छोटी मोटी कुछ गलतियां करते हैं इसी वजह से 5 किलोमीटर रनिंग या 1600 मीटर में वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी जब भी भर्ती में जाए या जब भी दौड़ में जाए तो ये आप छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान दें, या अगर आप भी जब भी ग्राउंड में दौड़ते हैं तो जो मैं गलतियां बता रहा हूँ आप उसमें सुधार करें। अगर वाकई में लग रहा है कि हाँ ये हम गलतियां करते हैं तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं भर्ती में क्या होता है। और 5 किलोमीटर रनिंग बहुत ही ईजी है दोस्तों, 24 मिनट बहुत ही टाइम दे देता है, बस थोड़ी सी स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। और 1.6 किलोमीटर का रनिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि जो शॉर्ट टाइम होता है इसलिए, और 5 किलोमीटर रनिंग का एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हमारा क्या है, लॉन्ग टाइम का दौड़ है और उसको कैसे दौड़ना है हम वो भी आपको बता रहे हैं। 5 किलोमीटर का रनिंग आप इजीली आराम से 20 से 21 मिनट में आप पूरे कर सकते हैं और आपको 24 मनट दिए जाते हैं। आप रोज इम्प्रूव कीजिए, रनिंग आपकी पक्की हो जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों, ये एक राउंड पूरा, जैसे हमारा रनिंग ग्राउंड यही होता है दोस्तों, तो एक राउंड 400 मीटर का होता है और इसको हमको 12.5 चक्कर लगाने होते हैं, 12.5 राउंड लगाने होते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग के लिए हमको 12.5 राउंड लगाते होते हैं। जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से हमें रनिंग करना पड़ता है और यहाँ पे 12.5 चक्कर का यहाँ फिनिशिंग कराते हैं, फिनिशिंग पॉइंट। अब जैसे ही हमें दौड़ में शुरू कराते हैं तो जिस कैंडिडेट को इसे लाइनअप कराते हैं, 30, 40, 50, 20, कभी कभी 100, 100, 150, 200 ऐसे दोस्तों लाइनअप करा दिए जाते हैं। और जिसमें वहां से आपको स्टार्ट का पॉइंट मिलता है, रेडी अप गो। जैसे यहाँ गो का करते हैं हम दोस्तों, जो आगे हैं, जो पीछे सोचते हैं हम सबसे पीछे हैं, उनको टेंशन नहीं लेना दोस्तों, आप आगे खड़े हो या पीछे खड़े हो, थोड़ी सी रनिंग स्टार्ट होने में 2-4-5 सेकेंड का गैप हो जाता है। जैसे यहां से आपको रेडी गो बोला जाता है, ये बंदा है दोस्तों, ये चक्कर ऐसे ही दौड़ता है, ये सारे ऐसे 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 दौड़ते हैं। ये दोस्तों हमारा जो 400 मीटर का है, ये लाइनिंग होता है 400 मीटर का, इस हिसाब से 5 किलोमीटर का रनिंग हमें 12.5 राउंड में पूरे होते हैं। कुछ हमारे भाई और बहने क्या करते हैं, यहां से पकड़ के दौड़ते हैं, यहां से पकड़ के दौड़ेंगे, ये मतलब अलग अलग, उसमें क्या होता है दोस्तों, ये गैपिंग बढ़ जाता है। जो 400 मीटर का है तो क्या हो जाएगा, 410, 420, 425, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दूरियां। अगर दोस्तों, अगर आप 400, अगर यहाँ मान के चलिए 400 से 420 पे दौड़ रहे हैं 12 चक्कर लगाने पे, दोस्तों 12 चक्कर अगर लगाते हैं तो 12 दूना 24 यानी आपको 250 मीटर, यानी 250 मीटर का आपको एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है। और 250 मीटर एक्स्ट्रा का मतलब हो गया आपको, मतलब दोस्तों 250 मीटर का मतलब 2 मिनट, अगर 1 मिनट भी आप लगाते हैं तो आपके लिए 24 क्या हो, 23 मिनट का आपको समय हो गया, 24 देता था लेकिन 23 मिनट का हो गया वो, ठीक है दोस्तों। तो आप जब भी दौड़े, जब भी आप दौड़ते हैं, आपको जैसे शुरू होता है, जिसे यहां से होता है सारे दौड़ के आता है यहां तक, यहां आने के बाद सब इक्का दुक्का हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे आगे पीछे एक दूसरे के आगे पीछे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे दौड़ते हैं। आप भी इसी के साथ दौड़े, ट्रैक के साथ, ठीक है दोस्तों। तो जो गलतियां हम करते हैं जैसे दौड़ में, एक तो हम गलतियां फर्स्ट ये करते हैं कि हम दूर से दौड़ते हैं, दूसरी गलती हम क्या करते हैं, पहले ही खूब तेज भागते हैं दोस्तों। ये देखिए पहली गलती हमारी, पहले हम खूब तेज दौड़ते हैं, हमें बिल्कुल तेज नहीं दौड़ना है क्योंकि हमारा शरीर पूरा वार्म अप नहीं हो पाता है, हम कितना भी खड़े खड़े एक्सरसाइज करके जाते हैं वार्म अप करके नहीं होता। लेकिन आप पहले दौड़े, ज्यादा पीछे भी नहीं रहना है और ज्यादा आगे भी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या हुआ करता है। आप दौड़े एक चक्कर, दौड़े 400 मीटर का एक चक्कर, अपना लेवल में दौड़े नॉर्मली, जैसे आपका शरीर वार्म अप हो जाएगा
फिर आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो पहले चक्कर में आपको तेज नहीं दौड़ना है, दूसरा चक्कर में आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले क्या करते हैं मुंह खोल के दौड़ते हैं। तो मुंह खोल के कभी नहीं दौड़ना है दोस्तों, जहां तक पूरी कोशिश देखो दोस्तों 100 में 95% आदमी कर रनिंग ऐसे बनाते हैं कि मुंह खोल के नहीं दौड़ना है, लेकिन 5% आदमी ऐसे होते हैं जो मुंह खोल के भी दौड़ेंगे तो पूरा एक ही स्टेप में वो दौड़ेंगे, उन्होंने अपना रनिंग बनाया हुआ है उसी हिसाब से। तो दोस्तों जो रनिंग में वीक है उनको हम बता रहे हैं, तो मुंह खोल कर कभी ना दौड़े, नाक से सांस ले नाक से ही छोड़े। आप एक चक्कर तो नॉर्मल दौड़ लिया, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, आप पूरा एक ही स्टेप पे अपना दौड़ते रहिए, नाक से ही सांस ले और नाक से ही छोड़े। एक बार मुंह से सांस लेकर मुंह से छोड़ेंगे तो आप जल्दी ही थक जाइएगा दोस्तों। अगर विश्वास ना हो तो आप कभी भी सुबह अगर आप रनिंग करने जाते होंगे तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट चक्कर में ही आप सांसें मुंह से लीजिएगा छोड़िएगा, तो उसमें स्टेमिना ज्यादा लगता है, ज्यादा सांसें की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, मुंह से सांस कब ले हम वो भी आपको बताएंगे। तीसरी दोस्तों, तीसरी गलती क्या करते हैं, बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, रनिंग करते हैं और पीछे मुड़ के देखेंगे, रनिंग करेंगे पीछे मुड़ के देखेंगे। दोस्तों उससे क्या होता है कि हमारा मनोबल टूटता है, अरे यार अभी पीछे उतना है, अभी इतने आदमी मेरे पास आ गए, तो उसमें क्या होता है आदमी एक्स्ट्रा अपना रनिंग में जोर लगाता है, इससे आदमी जल्दी थक जाता है। तो दौड़ते समय कभी भी पीछे अपना ना देखें और हमेशा सामने 30 से 35 मीटर तक देखें, ये ज्यादा लंबा दूरी भी ना देखें। चौथी गलती की बात करते हैं, जब कोई आपसे आगे निकल जाता है तो हम रनिंग कर रहे हैं, अब हमसे जैसे कोई आगे निकला, अरे यार ये मेरे से आगे निकल गया, अब उसको हम चेस करना शुरू कर देते हैं। चेस करेंगे दोस्तों, अभी नहीं, अभी तो आपको 3-4 ही चक्कर हुए, अभी आपको 12.5 चक्कर लगाना है दोस्तों। आप अपने स्टेमिना को बना कर रखें और जिस स्टेप में दौड़ रहे हैं उसमें धीरे धीरे इम्प्रूव, हर चक्कर में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहे। पांचवा गलती क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हम दाहिने बाएं देखते हैं। रनिंग का ट्रैक है, यहां दौड़ रहे हैं और हमारा ध्यान क्या रहता है दोस्तों, यहां 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 दोस्तों, ये हमको ध्यान यहाँ नहीं देना है। जब भी हमको दौड़ना है दोस्तों, अगर हम यहाँ दौड़ रहे हैं तो हमें इतना ही दूर तक देखना है, 30 मीटर तक, और इसी में हम अपने स्टेप को बरकरार रख के ही दौड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको छठा गलती क्या करते हैं, हमेशा शरीर को अकड़ के दौड़ते हैं। दोस्तों शरीर को हमेशा रिलैक्स छोड़े, रिलैक्स मोड में दौड़े, हमेशा शरीर को अकड़ के ना दौड़े। कितना ही मेरे दोस्त हमारे क्या करते हैं, पूरे हाथ की स्विमिंग करेंगे दोस्तों, जितना हम हाथ के ज्यादा स्विमिंग करते हैं, एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं, उसमें हम ज्यादा बॉडी वेट हमारा थकता है, तो हम ज्यादा हमेशा शरीर को अकड़ के ना दौड़े। हाँ दोस्त, मुंह अब रह गया हम आपको, मुंह खोलकर कब दौड़े, जैसे दोस्तों हमारा 8 चक्कर लग गया, बच गए 4.5 चक्कर, नाक से सांस ले नाक से खोले, 8 चक्कर तक ऐसे ही आप रनिंग करें। जैसे आप 9वां चक्कर में जाए, देखिए अगर हम अपने आप को, हाँ अगर आप नहीं थक रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नाक से सांस लीजिए नाक से छोड़िए, देखिए अगर हम थक रहे हैं तो आप नाक से सांस लीजिए मुंह से छोड़िए, ठीक है दोस्तों। अगर फिर आप रनिंग के बाद अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हम और ज्यादा थक रहे हैं, मुंह से सांस लीजिए नाक से छोड़िए। अगर लास्ट रहेगा दोस्तों, कब का लास्ट, फिनिशिंग, जब लास्ट हमारा ढाई चक्कर का फिनिशिंग, जब से हम यहाँ आ गए हमें ढाई चक्कर का फिनिशिंग देना है दोस्तों, तो हमें क्या करना है उस समय, एनर्जी और टाइम अगर देख रहे हैं कि आप पीछे हैं, मुंह से सांस ले और मुंह से ही छोड़े, पूरा आप एक चक्कर का फिनिशिंग दे, और जो ही आप 200 मीटर पे आते हैं दोस्तों, उस समय
पूरे मुंह से सांस लें और मुंह से छोड़ के जितनी एनर्जी जाएगी अंदर सांसें जाएंगी उतना आपको विल पावर मिलेगा और उतना ही आप तेज दौड़ोगे। लास्ट का एक बार सांसें भरें और वहां से स्पीड शूट करें। लास्ट फिनिशिंग का पॉइंट ये है दोस्तों। तो हम आपको यही बता रहे थे दोस्तों, 5 किलोमीटर का रनिंग या हो या 1600 मीटर का रनिंग हो, आप ये गलतियां ना करें। दौड़ पहले तो तेज ना भागे, हमेशा मुंह खोल कर ना दौड़े, बार बार पीछे तो देखना ही नहीं है दोस्तों। जब कोई आगे निकल जाए कोई बात नहीं, चल भाई। आप रनिंग में देखते होंगे जो आगे निकलते हैं फिर पीछे होते हैं, फिर आगे निकलते हैं फिर पीछे होते हैं। जो दौड़ने वाले हैं अपना वो एक स्पीड पे दौड़ते रहते हैं, जब उनकी जरूरत पड़ती है फिनिशिंग पे तो वो लास्ट फिनिशिंग पॉइंट देते हैं। अगर दोस्तों जिनका रनिंग ऐसे भी वीक है तो रनिंग में दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से अगर आप छट गए, आपने रिटन पास करके आ गया एग्जाम देके, फिजिकल में आए, आपका फर्स्ट स्टेप रनिंग, रनिंग में छट गए तो सोचो कितना दोस्तों मेहनत बेकार होगा। इसलिए रनिंग में हमेशा दोस्तों आप ये सोच के चलिए कि मैं तो रनिंग हमेशा पास, नेगेटिव थिंकिंग रखना ही नहीं है यार, होगा नहीं होगा, ये मेरे से आगे चला गया मेरे से पीछे रह गया, इतना सोचना ही नहीं है दोस्तों। आप हमेशा पॉजिटिव थिंक रखें कि ये तो कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर का रनिंग मैं यूं ही निकाल लूंगा। और ऐसे ही आप ग्राउंड में दौड़ते होंगे, वहां टेंशन नहीं, फ्री रहते हैं, वही टेंशन फ्री होके आपको फिजिकल जहां भी सेंटर हो वहां पे आपको वही कॉन्फिडेंस होकर रनिंग करना है। हमेशा मनोबल अप करके दौड़ेंगे, 5 किलोमीटर नॉर्मल है दोस्तों। 1600 मीटर में आपको मैंने पहले बता रखा था कि उसमें थोड़ा सा ब्रेथ ज्यादा लगता है, स्टेमिना जल्दी लगती है और जल्दी शरीर थकता है। तो ये 5 किलोमीटर का है, 1600 मीटर के लिए भी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो ये 5 किलोमीटर के लिए भाइयों एक कभी गलतियां आप ये लोग ना करेंगे। आप धीरे धीरे रनिंग करते हैं, आप अगर ये गलतियां करते होंगे तो आपको पता होगा कि हम कैसे थकते हैं, इसमें से कुछ सुधार करके देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, किसी दूसरे भाई और बहनों का भी भला हो जाए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।